उदयपुर के बाद भिलवाड़ा में बड़ा कांड हो गया और कांड के बाद पुलिस को जो है वो बल प्रयोग करना पड़ा। लोग सड़कों पर उतर गए। हिंदू संगठन है वो अभी भी सड़कों पर बैठे हैं और एक ही मांग है कि जल्द से जल्द आरोपी जो है वो गिरफ्तार होने चाहिए और इनके ठिकाने हैं उन पर बुलडोजर चलना चाहिए। दरअसल उदयपुर में देवराज जो है उसकी मौत के बाद उदयपुर में इतना बवंडर हुआ था कि पुलिस और प्रशासन जो है उसके हाथ पांव फूल गए थे। लेकिन अब उसके बाद भिलवाड़ा में ये कांड हो गया। भिलवाड़ा में किसी देवराज को चाकू से नहीं बल्कि एक गाय की पूंछ काटकर और हनुमान मंदिर में डाल दी गई। और जैसे ही लोगों को ये पता चला तो लोग कह रहे हैं कि कौन भड़काना चाहता है, कौन सांप्रदायिक हिंसा फैलाना चाहता है। उदयपुर के अंदर भी सांप्रदायिक हिंसा फैली थी। हिंदू संगठन जो है वो सड़कों पर उतरे थे और वही हालात अब भिलवाड़ा में पैदा हो चुके हैं। भिलवाड़ा के अंदर गाय की पूंछ काटकर हनुमान मंदिर पर डाली गई तो लोग कह रहे हैं कि कौन लोग हैं। अब इस मामले को लेकर 8 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन पुलिस से जो है वो हिंदू संगठन लगातार उन आरोपियों को ढूंढने की मांग कर रही है जिन आरोपियों ने ये कांड किया है। आखिर कौन है जो गाय की पूंछ काटता है और उसके बाद उसको हनुमान मंदिर पर डालकर आता है। अब इसको लेकर जब हिंदू संगठन सड़कों पर उतरे तो प्रशासन जो है उसने बल प्रयोग किया और पुलिस ने जो है पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया सुरक्षा के लिहाजों से और बल प्रयोग कर लोगों को वहां से खदेड़ा है। कितना बल प्रयोग चलेगा। हिंदू संगठन फिर से वापस आ गए और अब एक ही मांग पर अड़कर बैठ गए कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है, जब तक इस बात का खुलासा नहीं होता है कि आखिर कौन है जो गाय की पूंछ काटता है और उसको हनुमान मंदिर में डालता है और सांप्रदायिक हिंसा फैलाने का काम जो है वो भिलवाड़ा के अंदर किया जाता है। अब देखना यह होगा कि पुलिस कितना जल्द जो है उन आरोपियों को गिरफ्तार करती है और क्या खुलासा होता है, कौन है जिसने गाय की पूंछ काटने की यह हरकत की है और काट कर फिर उसको हनुमान मंदिर में डाला गया है। महेंद्र बासुटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।